सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। जब कोई ऐसा केस होता है, प्रेगनेंसी की बात होती है, ये होती है जैसा उसने क्लेम किया है, तो कोई डॉक्टर भी होता है वहाँ, नर्स भी होती हैं, चार लोग होते हैं, एक रजिस्टर होता है वहाँ, सिग्नेचर होते हैं वहाँ पे, तो कोई तो और भी प्रूफ भी होना चाहिए ना। फिर अगर ये बात सच्ची है तो सामने आओ। अच्छा जसलीन और अनूप जी जब घर में गए, तब जब पता चला ये जोड़ी में साथ में घर जा रहे, तो भी बाहर भी बहुत सारी न्यूज़ बनी जब उनकी एक्स सामने आकर ये बात कही, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अनूप जी हमारे साथ जाने वाले थे, उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों को फंसाया, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अनूप जी को शायद आप भी अच्छी तरह जानते हो। नहीं, ऐसी कोई अनिशा नाम की बात, लड़की की बात है, वो सामने आ जाए ना, सामने आके बात करे, आप लोगों से बात कर रही है, जिस तरह से आपने इंटरव्यू शायद नहीं किया होगा उनका, कोई आपको वीडियो वगैरह जो भी मिला है, तो ऐसा अगर कोई क्लेम करता है उसको सामने आना चाहिए। जैसे मैं सामने आया हूँ, बहुत लोगों ने बोला कि मैं चैनल पे जा रहे हूँ, मुँह पे कपड़ा बांध लो, ये कर लो, लड़की के फादर हो, बेइज्जती हो रही है तुम्हारी, मतलब मैं कायर हूँ क्या? जो भी बात है मैं फेस करूँगा, मेरी बेटी ने जो किया मैं फेस करूँगा, लोगों से बात करूँगा, अगर उसने किया उसकी मर्ज़ी ना, तो मैंने इसमें कुछ गलत नहीं किया, तो मैं क्यों अपना फेस कवर करूँ? तो मैं अनिशा से भी यही बोलता हूँ, अगर ये बात सच्ची है तो सामने आओ, और जितने भी तथ्य हैं, जब कोई ऐसा केस होता है, प्रेगनेंसी की बात होती है, ये होती है जैसा उसने क्लेम किया है, तो कोई डॉक्टर भी होता है वहाँ, नर्स भी होती हैं, चार लोग होते हैं, एक रजिस्टर होता है वहाँ, सिग्नेचर होते हैं वहाँ पे, तो कोई तो और भी प्रूफ भी होना चाहिए ना। फिर तो बिना प्रूफ के आप कैसे मतलब बोल सकते हो, और सामने आ भी नहीं रहे हो, बस ऐसे आपने एक वीडियो भेज दिया जी ऐसे ऐसे, तो ये मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की वीडियो बिल्कुल ना डालें, ये फेक है, क्योंकि इस तरह की वीडियो डालने से आपके चैनल की भी तो बदनामी होती है कि आपने ये तथ्य जाने बगैर कैसे डाल दिया, क्योंकि आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा वीडियो आप अगर आपने कहीं डाला है तो उसको ना चलाएं, एंड और सभी दूसरे चैनल्स को भी मैं ये कहूँगा, जब कोई ऐसा केस होता है, प्रेगनेंसी की बात होती है, ये होती है जैसा उसने क्लेम किया है, तो कोई डॉक्टर भी होता है वहाँ, नर्स भी होती हैं, चार लोग होते हैं, एक रजिस्टर होता है वहाँ, सिग्नेचर होते हैं वहाँ पे, तो कोई तो और भी प्रूफ भी होना चाहिए ना। फिर अगर ये बात सच्ची है तो सामने आओ।